अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली के खाने। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबुत मसूर और मूंग की छिलके वाली दाल की रेसिपी। ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है, जिसे हम घर में पंजाबी में मसर कहते हैं और दाल खिचड़ी के लिए यूज़ करते हैं। मैंने इन दोनों दोनों को मिक्स करके बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। तो आइए देखते हैं मैंने इसे किस तरह बनाया है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बर्तन में डाल दिया था आधा कप घी का, इसमें मैं डाल दूँ लहसुन अदरक कटा हुआ, वो मैंने लिया है एक चाय का चम्मच। हमें हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज लिया है मैंने एक अदद बड़े साइज का, इसको मैंने चॉप किया है, वो अब शामिल कर देंगे इसमें। साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, ये मैंने एक अदद ली है, इसको मैंने चॉप किया है, मिक्स कर देंगे। प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, बस हल्का सा ही फ्राई करना है तो थोड़ा नरम पड़ जाए। प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर भी लिया है मैंने एक अदद, इसको भी चॉप किया हुआ है, मैं डाल देंगे। अब प्याज और टमाटर को नरम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी मसाले। नमक लिया है एक चाय का चम्मच फुल भर के। सुरख मिर्च पीसी हुई और कुटी हुई सुरख मिर्च, ये दोनों आधा चाय के चम्मच है। जीरा लिया है क्वार्टर टीस्पून। हल्दी आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी ली है एक चाय का चम्मच। मसालों को भून लूंगी मैं। टमाटर नरम पड़ जाए और जो प्याज है वो भी नरम हो जाए, तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो मैं इनको भूनती हूँ अच्छे से। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी दाल जो हमने ली है साबुत मसूर और मूंग की छिलकों वाली दाल। अब मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसे बनाइएगा साबुत मसूर और मूंग की छिलकों वाली दाल को, बहुत चटपटी करारी सी बनती है, रोटी के साथ आराम से खाई जाती है, चावल की भी ज़रूरत नहीं है इसके साथ, आपकी मर्ज़ी। आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, लेकिन ये वैसे ही आप स्पून के साथ प्याली में डाल के खाएं बाउल में तो बहुत मज़ेदार लगती है। अब इसे मैं छोड़ दूँगी मसाले के साथ पकने के लिए 10 मिनट के लिए। इसे कर देते हैं हम कवर। 10 मिनट के बाद इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था। बहुत ही मज़ेदार हमारी साबुत मसूर की दाल और मूंग की छिलकों वाली दाल बनी है, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, दाल डालते वक्त मैं भूल गई थी कि इसको मैंने साबुत मसूर की दाल को और मूंग की छिलकों वाली दाल को पूरी रात भिगो के रखा था, उसके बाद इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल के 10 मिनट के लिए कुक कर लिया था, और इतना पानी डाला था जिसमें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। दालें गली हुई थी तो मैं बताना भूल गई थी, माजरत। तो कैसी लगी भी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।